दोस्तों आज बॉलीवुड से फाइनली वो खबर आ ही गई जिसका इंतजार हम सब बहुत ही बेताबी से कर रहे थे। लेकिन भैया इस खुशखबरी को बताने से पहले मैं अपनी व्यथा आप लोगों को बताना चाहूंगा। दोस्तों इस कोरोना वायरस ने तो मुझे टोटली स्लो कर दिया है, यानी कि भैया आपको तो पता ही है कि पहले मैं आप लोगों के सामने खबरें बहुत तेजी से लेकर आता था, लेकिन जब से मुझे कोरोना वायरस हुआ है उसके बाद से मेरी गति जो है वो थोड़ी सी स्लो हो गई है। यानी कि भैया जिस खुशखबरी को मुझे आप लोगों को 2 घंटे पहले बता देना चाहिए था भाई, उस खुशखबरी को हो सकता है कि मैं आप लोगों के सामने 3 घंटे बाद लेकर आऊँ। यानी कि भाई आज मैं फिर से एक बार अपने डॉक्टर के पास गया था रूटीन चेकअप के लिए और उसी वक्त मुझे पता चला कि भाई खिलाड़ी कुमार ने तो खेला कर दिया। तो भैया क्या है ये रिपोर्ट, चलिए मैं आपको बताता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुए भैया बॉलीवुड के रियल मेगा स्टार यानी कि गारंटी कुमार, खिलाड़ी कुमार, रिकॉर्ड कुमार यानी कि भाई स्पीडी कुमार, अक्षय कुमार से। तो दोस्तों बॉलीवुड में ये बात तो हम सब पहले से ही जानते हैं कि भाई खिलाड़ी कुमार के स्पीड के सामने बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे पानी भरते हैं, यानी कि भैया उनकी गति को लेकर तो भैया कई लोग रिसर्च कर रहे हैं कि भैया इतनी तेज गति से खिलाड़ी कुमार कैसे काम कर रहे हैं। और भाई आज खिलाड़ी कुमार ने जो जानकारी हम लोगों के सामने रखी है उसको सुनने के बाद हम ये कह सकते हैं कि भाई ये एक सकारात्मक न्यूज है जो कि भैया बॉलीवुड से आनी चाहिए थी। तो दोस्तों इस न्यूज को बताने से पहले मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। दोस्तों आप लोगों को तो पता ही है कि हमारे देश में कोरोना का जो दूसरा लहर है वो धीरे धीरे अब थमता जा रहा है, यानी कि कम होता जा रहा है। और भाई जैसे जैसे ये जो लहर है वो कमजोर हो रहा है हमारे देश में, तो भैया वैसे ही वैसे हमारे देश के कई सारे राज्यों में अब जो है अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, यानी कि लोगों को बाहर जाने की अनुमति मिलने लगी है। लेकिन भैया लोग बाहर तो निकल रहे हैं लेकिन भैया सरकार के बताए हुए दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे। यानी कि भैया आज जब मैं रूटीन चेकअप के लिए गया था घर से बाहर तो मैंने कई लोगों को बिना मास्क के देखा यार। और भाई ये चीज देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि भाई ये लोग किस प्लेनेट से आते हैं, किस देश के प्राणी है ये लोग जिनको अपनी जान का थोड़ा सा भी भय नहीं है। यानी कि भैया कुछ दिन पहले तो लोग त्राही माम कर रहे थे और सरकार के ऊपर में ये आरोप लगा रहे थे कि भाई ना तो राज्य सरकार हमारी मदद करी और ना ही केंद्र सरकार हमारी मदद करी है। लेकिन भैया ऐसे लोगों को क्या चप्पल से नहीं मारना चाहिए जो कि भैया कोरोना फैलाने का पूरा जुगाड़ लेके घूम रहे हैं, यानी कि भाई बिना मास्क के सोशल डिस्टेंसिंग इन लोगों को फॉलो नहीं करना। और जब इनसे पूछा जाएगा कि भाई आपको कोरोना से डर नहीं लगता है तो भाई मुझे कहां कोरोना हुआ। अबे जब कोरोना हो जाएगा ना उसके बाद तू समझेगा कि कोरोना वायरस किसको बोलते हैं। दोस्तों मैंने कोरोना की मार को झेला है और मैं इसीलिए आप लोगों से भी अपील करूंगा कि ऐसे कोई लोग भी आपको अगर दिखते ना बाजार में बिना मास्क के तो उनको जाके 2-3 गालियां तो भैया जरूर देना। तो भाई ये मेरा एक पर्सनल रिक्वेस्ट था आप लोगों से जो मैंने देखा, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से ये बात मुझे शेयर करनी चाहिए। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया भैया कि आज बॉलीवुड से वो खुशखबरी हम लोगों के सामने आ ही गई जिसका इंतजार हम सब बहुत बेताबी से कर रहे थे। भैया खिलाड़ी कुमार की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि बेल बॉटम को लेकर ऐसी कई सारी खबरें हम लोगों के सामने आई थी कि भाई यह फिल्म सिनेमा घर में नहीं आएगी, यह फिल्म ओटीटी पर रिलीज हो सकती है। इस फिल्म के मेकर इस बात पर विचार कर रहे हैं कि भैया अगर सिनेमा घर नहीं खुलते हैं तो भाई हम इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर देंगे। लेकिन भैया आज सारी बातों को दरकिनार करते हुए बेल बॉटम की टीम की तरफ से यह जानकारी ऑफिशियली सबके सामने रख दी गई कि भाई आप इस फिल्म को देख सकते हो 27 जुलाई को। यानी कि भैया कुमार बॉक्स ऑफिस पर आने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और भाई इस फिल्म की टीम ने जिस तरीके से कॉन्फिडेंस दिखाया है उसको देखने के बाद हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि भैया 27 जुलाई तक सारे के सारे सिनेमाघर ऑल ओवर इंडिया में खुल जाएंगे। यानी कि भैया जिस तरीके से लॉकडाउन की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है, यानी कि भैया अनलॉक की जो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, मैंने लॉकडाउन बोल दिया था, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है उसको देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि भैया 27 जुलाई तक हो ना हो 25 नहीं बल्कि 50% ऑक्युपेंसी के माध्यम से तो सिनेमा घर खुली जाएंगे। और कई जगहों पर तो ऐसा भी होगा कि भैया 100% ऑक्युपेंसी के माध्यम से सिनेमा घर खुल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको खिलाड़ी कुमार की आने वाली इस फिल्म यानी कि बेल बॉटम का बहुत ही बेताबी से इंतजार है तो भाई बस इंतजार कीजिए 27 जुलाई का और उसके बाद भैया लड़ियां लग जाएंगे सिनेमा घर में, क्योंकि भैया खिलाड़ी कुमार आगाज जो करने जा रहे हैं, यानी कि भैया आप देखने वाली बात यह है कि क्या इस फिल्म के माध्यम से शुभारंभ होगा सिनेमा घर में कई फिल्मों का।
लेकिन भैया शुभारंभ तो खिलाड़ी कुमार से पहले सलमान खान ने कर दिया है अपनी फिल्म यानी कि राधे और मोस्ट वांटेड भाई से। यानी कि राधे और मोस्ट वांटेड भाई को लेकर यह खबर हम लोगों के सामने आई थी कि भाई ये फिल्म महाराष्ट्र में दो जगह रिलीज हुई थी। तो दोस्तों आपको तो पता है कि खिलाड़ी कुमार की आने वाली इस फिल्म यानी कि बेल बॉटम में अक्षय कुमार के साथ नजर आने वाली है लारा दत्ता, हुमा कुरैशी और वाणी कपूर। और भैया इस फिल्म को डायरेक्ट किया है रंजीत तिवारी ने। तो दोस्तों कई सारे विवादों को पीछे छोड़ते हुए अब बेल बॉटम आगे निकल चुकी है। यानी भैया इस फिल्म को लेकर कल एक बहुत बड़ा विवाद हम लोगों को देखने मिला जिसको लेकर जानकारियां तो भैया पहले से ही हम लोगों ने आपको दी थी कि भाई खिलाड़ी कुमार को इस फिल्म को लेकर 100 करोड़ से ऊपर का अमाउंट मिला है। यानी कि भैया उन्होंने इतना चार्ज किया है, ऐसी कई सारी खबरें हम लोगों के सामने बॉलीवुड से आई थी। लेकिन भैया ये सारी की सारी खबरें झूठी साबित हो गई जब खिलाड़ी कुमार ने कल खुद सामने आकर यह बात सबको बताई कि भैया जो खबर मुझको लेकर आ रही है कि भैया मैंने बेल बॉटम के लिए 135 करोड़ रुपए लिए हैं, उसके बाद में मुझसे अपील किया गया कि भाई ये कोरोना काल है, इतना पैसा हम आपको नहीं दे सकते हैं। और जब वासु भगनानी ने ये अपील किया तो भैया अक्षय कुमार ने अपने फीस में 30 करोड़ का घटौता कर दिया, यानी कि भैया उन्होंने कम कर दिया 30 करोड़। उसके बाद ये बात भी सामने आई कि भैया बच्चन पांडे के लिए अक्षय कुमार ने 90 करोड़ लिए हैं और उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि भैया जो साजिद नाडियाडवाला है वो उनके स्कूल फ्रेंड है। ऐसी कई सारी खबरें कल आई और भैया उन सारी खबरों का खंडन एक बार में ही खिलाड़ी कुमार ने कर दिया कि भाई जो खबरें आप सुन रहे हो कि भाई मैंने इस फिल्म के लिए इतने करोड़ उस फिल्म के लिए उतने करोड़, भैया ये सारे के सारे झूठे करोड़ वाले खबरें हैं। तो भैया सारी खबरों को पीछे छोड़ते हुए अब खिलाड़ी कुमार की यह फिल्म सिनेमाघर में आने के लिए तैयार है। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपको बेल बॉटम का कितना इंतजार है। और दोस्तों इन दिनों जो मुझसे थोड़ी सी देरी हो रही है ना, यानी कि भैया मैं जो खबरें आप लोगों के सामने टाइम से नहीं लेकर आ पा रहा हूं, तो भैया उसके लिए मुझे क्षमा जरूर कीजिएगा क्योंकि इन दिनों मेरा जो स्वास्थ्य है जितना मेरा सपोर्ट करता है उसके हिसाब से मैं आप लोगों के सामने आता हूं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी ही मैं भी खिलाड़ी कुमार की तरह पूरी तरीके से एक्टिव हो जाऊंगा। यानी कि भैया मैं तो एक्टिव काफी दिनों पहले हो चुका हूं लेकिन अभी भी शरीर जो है वो थोड़ा सा कमजोर है। और अंत में मैं आप लोगों से ये अपील जरूर करूंगा कि भाई अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, दूसरी लहर देश में कमजोर हो गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भैया लापरवाह बनकर आप घर से बाहर निकले। और अगर आपके सामने ऐसे कुछ लापरवाह लोग नजर आते हैं तो उनको 2-3 गालियां और 3-4 झापड़ तो जरूर मारना और उनको ये बताना कि भाई हम आपके साथ ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भैया ताकि आपकी आंखें खुले और आप अपने परिवार के साथ खिलवाड़ ना करें, यानी कि आप अपने परिवार की जिंदगी के साथ ना करें। यानी कि भैया आपकी गलती की वजह से आपके परिवार के ऊपर में कितने सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं कोरोना वायरस की वजह से, वो बात आप उनको जरूर समझाने की कोशिश कीजिएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वर्ल्ड न्यूज जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।